महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, लेकिन महिलाओं को सेहतमंद बनाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। और इसी दिशा में एक कदम उस समस्या की ओर रोटरी क्लब ने आगे बढ़ाया, जिसके बारे में आज के ज़माने में भी बात करने से लोग कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिला स्वच्छता की, महिला हाइजीन की। और जब महिला हाइजीन की बात होती है तो सैनिटरी नैपकिन आज हर किसी के मस्तिष्क में कौंध उठता है, और किस तरह से ये महिलाओं को स्वच्छता के साथ साथ सेहतमंद बनाता है, इसके लिए जागरूकता का प्रयास शुरू किया। हमारे साथ रोटरी क्लब के डीजी यहाँ पर अनूप मित्तल जी मौजूद है, जिनकी पूरी टीम ने, जितनी भी रोटरी क्लब की शाखाएँ हैं, सभी ने एकजुट होकर बीड़ा उठाया और फरीदाबाद में इसकी एक लहर देखने को मिल रही है। अनूप जी, एक बात आप कह रहे थे मंच के माध्यम से कि सैनिटरी पैड्स बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका प्रयोग किस तरह से महिलाएं करें, जागरूकता हो और एक जो एक हिचकिचाहट है वो निकले, उसको लेकर अब रोटरी काम कर रहा है। देखिए, ऐसे है, हमारे इस बार जो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं शिखर मेहता, वो इंडिया से हैं और उन्होंने एक ड्राइव शुरू की थी गर्ल एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, जो हमारे देश में नहीं दुनिया में चल रही है। उसी के तहत हमने ये मोतीलाल जी की और हमारे देवेश जो फरीदाबाद संस्कार है योगी जी, उनके सहयोग से प्रोजेक्ट किया। और मुझे लगता है इससे बेहतर हम उनको कोई उनके मिशन में सहयोग इससे बेटर नहीं कर सकते। आई एम श्योर ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड उन्होंने हमको बोला आप अफ्रीका भी लेके जाएं इस प्रोजेक्ट को, नंबर वन। और बिल्कुल देखिए कलयुग में जी। आपने जो बात कही महिलाओं को कैसे जागरूक करें, मुझे लगता है महिलाएं जब महिलाओं से बात करेंगी तो ही उसकी जागरूकता बनती है। हम लोग तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उसी के लिए बिकॉज जो फर्स्ट लेडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट है श्रुति मित्तल, वो इसकी चेयरमैन है इस बार गर्ल एंड वुमन एम्पावरमेंट की। तो मैंने उन्हीं को बुलाया कि भाई आप जितनी भी हमारी स्पाउसेज हैं प्रेसिडेंट्स की डिस्ट्रिक्ट टीम की, उनके माध्यम से आप इनको और महिलाओं को कैसे जाना है, कैसे जागरूक करना है, उसके लिए काम करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर हम काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, फर्स्ट लेडी श्रुति मित्तल जी मौजूद है। मैम, सर कह रहे थे कि महिलाएँ के मुद्दे पर ज़्यादा बात करें, लेकिन रोटरी में पुरुष ज़्यादा बात कर रहे हैं और महिलाओं को भी साथ लेकर इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। हमें लोगों को, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको इसकी जागरूकता बतानी है, उनको जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको इसकी महत्वता बतानी है कि कैसे ये कितना नुकसानदायक है कि अगर वो अभी भी नैपकिन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इससे सर्वाइकल कैंसर, इससे यूटीआई इन्फेक्शन, इससे काफ़ी अनकम्फर्टेबल रहती है लोगों को, जी गर्ल्स को, और आगे भी उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर एक बार उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और देखिए कलयुग में सच्चे संत बहुत कम मिलते हैं, और हमारे साथ मोतीलाल गुप्ता जी हैं जो फरीदाबाद ही नहीं पूरे देश का नाम जो है समाज सेवा में जिनका बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है। अंकल, अभी बात हो रही थी कि मात्र 15% जो है महिलाएं हैं वो सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं, तो किस तरह से देखते हैं हम एक तरफ 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और इतना जो प्रयासों के बावजूद पीएम मोदी लगातार स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछड़े हुए हैं कोई बात नहीं, हमको आगे बढ़ना है, लेडीज़ को मोटिवेट करना है कि वो रूरल एरिया में जाएं, ट्राइबल में जाएं, उनको समझाएं, पैड दें, पैड डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको समझाएं कैसे यूज़ करना है, और गंदा कपड़ा यूज़ ना करें जिससे बीमारी कम होगी, गवर्नमेंट का भी मेडिकल एड में पैसा कम होगा, लोग लेडीज़ की लाइफ बढ़ेगी और मैं समझता हूँ इसकी वजह से पूरा कल्याण होगा। आज 1,00,000 सैनिटरी पैड बनाने का टारगेट पूरा कर चुके हैं क्या कुछ, और मैं सुन रही थी कि देश में ही नहीं, जैसे भारत की खूबसूरती है, विदेशों में भी इसको लेकर अलग जगाने की सोच आप रखे हुए हैं। बेटा, ऐसा है कि हमको अच्छा सोचना है और करना है, सोच अगर अच्छी बनाएंगे। आज हमारे भारतवर्ष के लोग जो अमेरिका इंग्लैंड में जाते हैं वहाँ कामयाब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की सभ्यता सोच दो चीज़ उनको आगे ले जाती है,
पढ़ाई तो है, यहाँ भी होती है वहाँ भी होती है, तो हमको वही बात को आगे बढ़ाना है। और ये हमारा अपना घर जो है ना वो पूरा भारतवर्ष है, यानी ये नहीं कि वो दूसरे कहीं और के कहीं, हमको जिसके भी उठा लेंगे, जिसका अच्छा कल्याण कर देंगे वही बड़ा होगा। और देखिए विमेन हाइजीन प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस रेशमि घोष जी मौजूद है। टीवी की कैकई कहें या फिर सास भी कभी बहू थी की भूमि, रेशमि कितना प्राउड महसूस करते हैं कि आज उस मुद्दे पर आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर रिप्रेजेंट कर रही हैं खुद को, जिसके लिए किसी ज़माने में जो है महिलाएं छुपते छुपाते जो है अपनी बात कहने की कोशिश करती थी। मुझे लगता है मैं आज भी छुपाती रहती हूँ अपने बड़ों से घर पे, बट ये होना नहीं चाहिए। मेरे जैसे मिलियंस हैं जो ऐसे छुपाते रहते हैं अपने आप को, क्या है, दिस इज़ बायोलॉजिकल, ये सब महिलाओं के साथ होती है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। इस चीज़ को अगर हम औरतें दिमाग में छाप ले तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि रोटरी के साथ मैं एसोसिएट हो रही हूँ, मैं सैनिटरी पैड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए एंड आई फील रिच। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अंजलि जैन हमारे साथ मौजूद है। मैम जब ये चक्र आता है तो उस वक्त एक रूढ़ीवादी सोच विकसित है कि अचार खराब हो जाएगा या फिर सिर धोने की मनाही होती है, ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो कोई लड़की होती है उसके दिमाग में भर दी जाती हैं, तो इस सोच को कैसे रोटरी के माध्यम से आप दूर करेंगी? देखिए रोटरी ने सैनिटरी पैड तो बना दिए हैं, बट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा अवेयरनेस कैंप लगाना और ये उन तक पहुंचाना। तो इसके लिए भी हमारी बहुत बड़ी तैयारी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनूप मित्तल जी ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अवेयरनेस कैंप लगाएं। हम सभी रोटेरियन साथियों को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारे टाइम टू टाइम ऐसे अवेयरनेस कैंप आएंगे जो कि महिलाओं को इस पैड को यूज़ करने के लिए जागरूकता लाएंगे, साथ ही समाज में इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए जो रूढ़िवादिता है उसे भी दूर करने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इनफैक्ट उसमें सहयोग देंगे। बिल्कुल, डीजी लेक्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर किस तरह से रोटरी ने पोलियो को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया तो पोलियो मुक्त देश हो गया लगभग, और अब एक और मिशन की तरफ रोटरी बढ़ गया है कि महिलाएं सेहतमंद रहें। देखिए पोलियो से तो रोटरी को काफ़ी अच्छी गुडविल भी मिली है और लोगों ने एक्नॉलेज भी किया है और वर्ल्ड वाइड इशू ये सॉल्व भी हो गया है। अब ये हाइजीन वाली बात है जो वुमेन की, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें एक स्वास्थ्य बहुत क्रिटिकल रोल खेलता है। हमारे देश में शायद ये कमी रही है कि हम अपने बच्चों को ही नहीं बता पाए कि इस सिचुएशन में आपको आगे कैसे बढ़ना है। मेरे को आज याद आती है बात, 50 साल पहले मैं आपको वापस ले जाता हूँ, जब ऐसा कुछ घर में होता था तो घर की औरतें चूल्हे में नहीं जाती थी जी। तो आज भी नहीं जाती हैं सर, यूपी में भी कई जगह ट्रेंड है। हाँ तो अभी देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और हमें पता नहीं होता था कि वो क्यों नहीं जाती। अब ऐसे मंच पे और आप लोगों के सहयोग से कि हम लोग शायद इस बात को आगे बढ़ा पाएँ ताकि जो भी बच्चे हैं वो ठीक टाइम पे इस चीज़ को यूज़ कर लें। अवेयरनेस किसी भी बीमारी का बहुत अच्छा हल है कि लोगों को अवेयर कराया जाए, उसी से फिर आगे सब ठीक काम होगा। जी बिल्कुल। देखिए पीएम मोदी कहते हैं कि स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और इसी सोच के साथ रोटरी क्लब ने साईं धाम के साथ मिलकर बीड़ा उठाया है महिलाओं को स्वच्छता के साथ साथ सेहतमंद बनाने का, और निश्चित तौर पर जब एकजुट होकर एक संदेश देश को दिया जाएगा तो उसकी सकारात्मकता दिखाई देगी। और क्योंकि एक महिला जो है वो पूरा परिवार चलाती है और यदि महिला सेहतमंद रहेगी तो पूरे परिवार को सेहतमंद रखेगी, इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और महिलाएं अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें इसको लेकर रोटरी उनमें एक अलग पैदा कर रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।